અને ભગવાનનું સ્વાગત કે ખાવ તે જ નથી બહુ સારું. ગરીબ બીમારી પૂનમ છે મહિના માં છે, ગુજરાત મેં અમાવસ્ય માં છે, યહાં કા શ્રાવણ શુદ્ધ પર અભિષેક જૈસે જીવન મેં શાંતિ રહે, ગરા પાસા દૂર હો, અશાંતિ દૂર હો, જલ ઠંડા હોતા હૈ, દૂધ ભી બહુત અચ્છા ફાયદા, શરીર કે લોગ ભી લાભદાયી હૈ, ઇસલિયે શ્રાવણ મહિને મેં અભિષેક કા મહત્વ હૈ. શિવ કે રૂપ ઔર શિવ જો હૈ લિંગ સ્વરૂપ હૈ, શાસ્ત્રો મેં લિખા હૈ કે જો દો સૂક્ષ્મ કારણ શરીર જો હૈ લિંગાકાર હૈ, ઇસ સ્વરૂપ મેં હૈ, અબ ફિર બ્રહ્માંડ શિવ કે અંદર હૈ. શિવ જો હૈ મંગલ સ્વરૂપ હૈ ઔર કલ્યાણકારી હૈ, ગુરુ સ્વરૂપ હૈ. તો ઇસ શ્રાવણ મહિના જો શરૂ હોતા હૈ તો ઇસમેં જો હૈ બિન બાધા ન આવે, એટલે સંકટ પર સ્નપન કરતે હૈ, અભિષેક કરતે હૈ કે ભગવાન શિવ જો હૈ હમારા કલ્યાણ કરે. ક્યું વો કબ અંકુરિત હોતી જતી હૈ ખબર નહીં. આપ યહાં બેઠે હુએ હૈ સત્સંગ વિશ્વ ચિત્ત કો લહર બોલતે હૈ, બુદ્ધિ કે અંદર ચિત્ત જો હૈ લહર કા સ્વરૂપ દેતા હૈ, કુછ ન કુછ વખતે રહેતા હૈ, 24 ઘંટે. આપ કહીં ભી જાએં આપકા મન કુછ ન કુછ સોચેગા. યુગ મેં શાસ્ત્ર મેં લિખા હૈ, ઇસલિયે અચ્છા વિચાર મેં જીના ચાહિએ. તો જહાં જહાં ઘાસ ઉગા હુઆ હૈ, કહીં કહીં આપ દેખતે હૈ કે બિલકુલ રેતી હૈ, કોઈ ઘાસ નહીં હોતા, કુછ પૈદા નહીં હોતા, ઇસકા મતલબ યહાં કુછ નહીં હૈ, એસા નહીં હૈ, વહાં પાણી નહીં પડતા, પાણી પડેગા તો વહાં ભી કુછ ઘાસ ફૂસ ઉગ જાતી હૈ, કહાં સે બીજ આતા હોગા કુછ ખબર નહીં, ઉગ જાય. ક્રોસ નહીં કરના, ઉપાસના વિષ્ણુ કી ઉપાસના, ગાયત્રી કી ઉપાસના, અલ્પ ફાત્ર ઘાસ ઉગ જાતી હૈ. इस प्रकार से आपके चित्त के अंदर जब ये गिरनार साधना आश्रम 72 में स्थापित हुआ है. मेरा ये शरीर पहले जटाशंकर जंगल में रहा, 11 वर्ष साधना की. साधना करने के बाद यहाँ दत्तात्रेय आया हूँ तो ये 15/11/75 को दर्शन दिए. और उसके बाद बोले कि आप यहीं रहना, ये जगह का विकास होगा, अच्छा रहेगा और आपका ऋषि जीवन रहेगा. तो मेरा ब्राह्मण शरीर है, पढ़ा लिखा थोड़ा हूँ, तो किसी पंथ संप्रदाय में नहीं गया हूँ, ऋषि जीवन जी रहा हूँ. हमारी योग माया शैलजा देवी हैं, वहाँ बैठी हुई हैं, वो भी महान योगिनी है, खेचरी तक किया है, योग बहुत किया है. वो दोनों का आशीर्वाद दत्तात्रेय महाराज ने दिया, उसके बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं मेडिटेशन कराता हूँ. तो दत्तात्रेय महाराज सहज योगी हैं. इस आश्रम में कोई आता है उसको मानसिक शांति मिलती है और बहुत प्रकार के स्वास्थ्य का लाभ भी होता है यहाँ पर, और प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है, अच्छी अनुभूति होती है. तो मैं महीने महीने एक बार निकलता हूँ, श्रावण है इसलिए आज फिर निकला हूँ. तो श्रावण महीने का महत्व है, तो कभी कोई आ जाता है तो 2 शब्द बोल देता हूँ. श्रावण जो है चातुर्मास शुरू होता है आषाढ़ पूनम से. श्रावण महीना शिव का महत्व है, हर एक महीने में अमुक देव की महत्ता होती है. श्रावण महीना शिव प्रधान है, शिव मतलब कल्याण में मंगल में स्वरूप, जो अखंड सृष्टि में व्याप्त है, सबके अंदर लिंग स्वरूप है, वो शिव स्वरूप है. हम लोग शिव योगी लोग मूलाधार में सुषुप्त जो शिवलिंग है उसको जगाते हैं, उसको हम कुंडली बोलते हैं. और मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिचक्र विशुद्धि आज्ञा भेदन करके यहाँ लाते हैं, तो उसमें जीव का कल्याण होता है. तो शिवलिंग जो है वो शिव शक्ति स्वरूप है, दोनों तत्व उसमें है,
उसमें लोग अभिषेक करते हैं ये श्रावण महीने में, तो कोई जल से अभिषेक करता है कि महादेव आशीर्वाद देंगे, तो गंगा जल से, कोई नारियल के पानी से, कोई से ईख के रस से, शेरड़ी से, कोई दूध से, जिसको जो अच्छा लगे। और भावना रखते हैं कि हमारा कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जो इस भावना से महादेव का पूजन करता है, अभिषेक करता है, वही महान है। जो मात्र अपने लिए, अपने शांति के लिए, कुटुंब परिवार के लिए करता है, वो भी व्यक्ति ठीक है, जीवभाव में है। लेकिन विचार जिसका बहुत उच्च है, वो सारे विश्व के कल्याण के लिए महादेव की उपासना करते हैं, इसमें बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं। बिल्ली पत्र का मतलब है कि तीनों प्रकृति सत्य और स्तंभ तीनों उनको अर्पण करो तो तुम शिव बनोगे। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी त्रिगणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन पाप संहारम बिल्ल पत्रम शिवार्पणम, ये बोल करके बिल्ली चढ़ाई जाती है कि तीनों जन्म का मेरा पाप नष्ट हो और जन्म मरण से मैं छूटूँ, इसलिए आपको बिल्ली पत्र अर्पण कर रहा हूँ। तो बिल्ली पत्र इसलिए अर्पण किया जाता है कि साथ साथ वो अपनी प्रकृति भी चढ़ा दी जाए। खाली बिल्ली पत्र चढ़ाने से फायदा होगा, लेकिन इतना नहीं है जितना ये इसका महत्व है, ज्ञान से बिल्ली पत्र अर्पण करना। ये बिल्ली पत्र चढ़ाने से और भगवान शिव का मंत्र का जप करने से कल्याण होता है, अपना भी, वायुमंडल भी शुद्ध होता है, देवी देवता खुशते हैं, मंगल होता है। इसलिए श्रावण महीने का महत्व बहुत ज़्यादा है इसी उपासना के लिए। और इसमें किसी भी की उपासना होती है, ये महीने में खाली शंकर ही का भजन करें ऐसा नहीं है, लेकिन शिव तत्व प्रधान है, शिवलिंग पर लोग ज़्यादा भार देते हैं। महादेव में सभी देवी देवता हैं, बाकी तो बहुत ज्ञान हो ना तो उसको कोई ये किसी भगवान में भेद नहीं आता है। शिव में सारा ब्रह्म, और शिव जो है मंगल स्वरूप है, इसलिए श्रावण महीने में इसीलिए लोग सत्संग करते हैं और एक जगह रहकर साधना करते हैं। श्रावण महीने में आपके अंदर जितने अच्छे बुरे विचार उगते हों उसका शमन होता है। जैसे खेती में फालतू घास उगे ना तो कृषक उसको निकाल देता है, अच्छे खेतर को रहने देता है। ये चातुर्मास में अच्छे बुरे विचार भी बहुत आते हैं, प्रकृति सौंदर्यमय हो जाती है, विचार अच्छे बुरे आते हैं, उसमें महादेव की साधना से हमारा मंगल होता है, अच्छे विचार रहते हैं, खराब विचार हट जाते हैं। इसलिए श्रावण महीने में चार मास लोग, योगी लोग, तपस्वी लोग एक जगह रहकर साधना करते हैं कि हम अच्छी तरह साधना करें, हमारा कल्याण हो। इसलिए श्रावण का बहुत महत्व है, महादेव का पूजन होता है, शुभ और खास दिन लिया जाता है, बाकी तो कभी भी महादेव की आप उपासना साधना करें कल्याण ही होता है। इसलिए श्रावण का महत्ता यह ही है कि अपने विचार को शुद्ध करो और महादेव के हृदय में रखो। जितना आपको ज्ञान हो, कोई गुरु मिले तो मूलाधार से कुंडलनी जागृत करके ऊपर जाने को कोशिश करो, नहीं तो तुम खुदो शिवो हम करो। आप उसी को स्वरूप हो, आप वही हो जो ओंकार का जप करता है, वो नमः शिवाय करता है, सोहम करता है, वो बहुत बड़ी साधना है। और जो आप हो वही मैं हूँ, अपने स्वरूप का मुझे ज्ञान कराइए कि मैं अपने इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं समझ सकूँ मैं क्या हूँ। क्योंकि मानवीय मानव पांच तत्व का शरीर ही नहीं है, अंदर बैठा हुआ आत्मा है, उसका ज्ञान शंकर कराते हैं, गुरु कराते हैं। इसलिए साधना होती है कि मैं अपने स्वरूप का ज्ञान करूं, मात्र इस शरीर के भरण पोषण जीवन में ही न रहूं, सारे व्यापक आपके तत्व को जानूं, सब आप में हैं, सब में आप हैं, सब जगह आप हैं, मेरे में भी हैं, ऐसा विराट स्वरूप रह करके जीऊं, मेरा भी कल्याण हो, विश्व का भी कल्याण हो, मंगल हो, ओम नमः शिवाय, यही श्रावण का महत्व है। तो यहाँ हम लोग योग भी ध्यान भी कराते हैं, ध्यान कराना से आदमी के अंदर सतगुरु कृपा से शक्तिपात होता है। और अभी बैठे हैं ये लोग, देखिएगा अभी कराऊंगा अभी अनुभव होगा, अच्छे विचार लेकर आए हैं तो होगा ही। तो मानुष को जो है शक्तिपात जब गुरु कृपा शिव कृपा होती है तो उसके अंदर से वो
शक्ति जगती है, उसको बोध कराती है। तो यहाँ जहाँ बहुत रोज भजन साधन होता है वहाँ का वायुमंडल शुद्ध होता है। तो यहाँ हम लोग सहज ध्यान कराते हैं कि आसन उसन अपने आप होने लगता है। ये सहज योग में कुछ करना नहीं होता है, केवल मन चित्त बुद्धि को सद्गुरु के चरण में रखना होता है, समर्पित हो जाना होता है, और फिर अपने आप सारी क्रिया होने लगती है। ये गुरु कृपा है। तो हम लोग यहाँ ध्यान कराते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, अच्छे मार्ग में चलने का बोध देते हैं, आचार संहिता बताते हैं, जीवन जीने की शैली बताते हैं, दुख के निवृत्ति के लिए रास्ता बताते हैं, और सामाजिक कार्य भी करते हैं। यहाँ कोई बाढ़ आया, कोई तकलीफ़ पड़ी, कोई विद्यार्थी को पढ़ने में तकलीफ हो उसको मदद करते हैं, किसी की कन्या की शादी न होती उसमें हम मदद करते हैं, ये सामाजिक काम भी करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी प्रयत्न करते हैं। तो हमारा ट्रस्ट मंडल है, सब प्रकार के हैं। मैं निकलता हूँ तो उपदेश देता हूँ, ऐसे लोग सामाजिक सेवा में भी प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट है और सबके कल्याण मंगल के सब प्रकार की विधि विधान प्रवृत्ति यहाँ होती है। रहने खाने की व्यवस्था है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कोई रहा हो हम उसे कुछ लिए हों भाड़ा और खाने का कुछ लिए हों। 50 वर्ष हो गया, रहना मुफ्त, खाना मुफ्त, आशीर्वाद भी मुफ्त। इसलिए भगवान यहाँ रक्षण करता है, कल्याण करता है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन अब ऐसे ही चल रहा है।